एंड भद्र, ये आठ थी क्वीन। हैविंग मेंशनड ऑल देयर सन्स, सुकदेवा गोस्वामी नाउ रेफर टू द सन्स ऑफ द अदर 16,100 क्वींस By mentioning the two principal sons of Queen Rohini, the foremost of the remaining queens. अब ये आ गए दूसरे बच्चों का जिक्र करते जाते हैं श्रीमद भागवतम। और ये याद रखना है, ये देखें जरा, ये देखें, ये देख लें, ये 19वां है, ये देख लें आप, 19 भी ऐड करें, 7 से लेकर 19 तक दी दी, आप स्क्रीन पे देखना आपने। माई डियर किंग, द सन्स एंड ग्रैंड सन्स ऑफ लॉर्ड, ये देखो पॉपुलेशन चेक करना दीदी, सिर्फ श्री कृष्णा की पॉपुलेशन चेक करना देश में, राष्ट्र में पॉपुलेशन कितनी बढ़ती है श्री कृष्णा से ये सुनना है। द सन्स एंड ग्रैंड सन्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा चिल्ड्रन नंबर्ड इन द टेन्स ऑफ मिलियंस, टेन्स ऑफ मिलियंस, करोड़ों के अंदर थे, करोड़ों में। 16,000 मदर्स गेव राइज टू दिस डायनेस्टी, 16,000 माओ ने इस डायनेस्टी को, श्री कृष्णा की डायनेस्टी को उरुजा दी थी, जिंदगी दी थी, ठीक है, स्थापित किया था। लो जी, तो दीदी ये जो आज देखें मेरी बात सुने, अगर पॉपुल बच्चे ज्यादा होने से इनको हमसे नफरत है, क्रोध है, हम बुरे लगते हैं, तो श्री कृष्णा की पूजा क्यों करते हैं? ये सवाल है, श्री कृष्णा की पूजा क्यों करते हैं अगर इनको पॉपुलेशन से दुख पहुंचता है कि जी मुसलमानों के इतने बच्चे हैं, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर ये रियलिटी में पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते होते, अब दो चीजों में दीदी फर्क समझना है, एक है पॉपुलेशन कंट्रोल, एक है एथनिसिटी क्लेंजिंग, किसी कम्युनिटी का जेनोसाइड, किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन को बाय फोर्स डिक्रीज करना। पॉइंट समझ आ रहा है? दो चीजों में दीदी फर्क है। अगर सनातनी जो इस्लामोफोबिक है, आपकी बात नहीं कर रहा, हिंदुत्ववादी जिनका एजेंडा नफरत फैलाना और देश में दंगे मचाना है, अगर इनकी आइडियोलॉजी राष्ट्र या देश की पॉपुलेशन कंट्रोल करना होता, इन जेनरिक टर्म पॉपुलेशन कंट्रोल करना, तो फिर ये सब के बारे में एक ही तरह का व्यवहार रखते, श्री कृष्णा के बारे में भी कहते कि भाई हमने इनकी पूजा करते, इसने इतनी पॉपुलेशन बढ़ाई थी। गलत मैसेज जाता है। इसका मतलब यह है ये सिर्फ एक तरह की पॉपुलेशन से इनको दिक्कत है, और वो पॉपुलेशन है मुसलमान। इनको मुसलमानों के बच्चों से नफरत है, इनको मुसलमानों की महिलाओं और उनके हिजाब से नफरत है, इनको मौलवी से नफरत है, इनको मस्जिद से नफरत है, इनको हमारी इबादत से नफरत है, इनको हमारी आदत और हमारे दीन से नफरत है। ये चीज हो गई हुई है, वरना तो सब जगह पर एक होता ना जी। ये बड़ा जरूरी है, ठीक है दीदी, ये मैंने आपके सामने रख दिया, ये संस्कृत के अंदर भी है, आपके सामने आ रहा है, ठीक है, इसको आप देख सकती हैं, वो वीडियो देख लें, उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से बयान किया है, नारी अंक का भी रेफरेंस दिया है, नारी अंक में लिखा हुआ है कि महिला हम उसको सुशील और बलवान शाली मानेंगे, उस औरत को उत्तम मानेंगे जो 20 बच्चे पैदा करे और उसके बाद भी मलाइका और औरा की तरह रहे। जिस लड़की की 20 बच्चे पैदा करने के बाद भी फिगर मलाइका अरोड़ा वाली रहेगी, तब हम मानेंगे वो उत्तम महिला है, उत्तम कन्या है, उत्तम स्त्री है, अदरवाइज हम नहीं मानते। फिर किसी ने कहा यार 20 कहां से करेंगी, मर जाएंगी, तो उन्होंने कहा चलो मिनिमम 10 तो करो ना, वेद में आया है 10 तो करो ना, 10 बच्चे तो करो। अब 10 किधर से करें? उन्होंने कहा भाई 10 कहां से करें, घास फूस खाते हैं पति देव, इतने बच्चे तो नहीं कर सकते। उन्होंने कहा चलो फिर नियोग करो। यही वजह है कि नियोग शुरू हुआ। अब आपको जानकर हैरानगी होगी दीदी कि इन्हीं 10 बच्चों को पूरा करने के लिए इन्होंने नियोग जैसी कुप्रथा का आरंभ किया, सिर्फ औरत को दबाने के लिए, औरत को इस गंध में धकेलने के लिए कि तुम्हें 11 बार ही नियोग क्यों ना करना पड़े, करो। अब ये देखें, अब मैं आपको एक रेफरेंस देने लगा हूं, खुद पढ़िएगा ताकि आपको पता चल सके हम किधर खड़े हैं, और ये हमारे जो इस्लाम के बारे में प्रोपेगेंडा और ब्लास्फेमी करते हैं, शोर मचाते हैं, ये किधर खड़े हैं। ये देखे जरा, ये सत्यारत प्रकाश है, स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत बड़ा नाम है आर्य समाज का। नियोग क्या होता है वो भी आपको मैं बताता हूँ, उस पर भी मैंने प्रोग्राम किया हुआ है।
ये पहले देख लें, ये स्क्रीन पर देखिएगा दीदी, सत्यार्थ प्रकाश है, पन्ना है पूरा 100, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक, प्रश्न है ऊपर, दीदी पढ़े जरा, आप ही पढ़े, चले भाई हिंदी आती है आपको, आपसे पढ़ाऊंगा जी। हे स्त्री जो तेरा पहला नहीं 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 सॉरी सॉरी ऊपर प्रश्न पहले पढ़े, प्रश्न में ही तो सारा राज छुपा हुआ है। अच्छा, एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है? अब ये वही ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद का वही मंडल है जो भी मैंने 10 पुत्रों वाला पढ़ाया है, मंडल 10 सूक्त 85 मंत्रा 45 सॉरी 40, ये वही है जो मैंने अभी पढ़ाया था। अब पढ़े आप, अब इसको पढ़े, क्या बोले जी, अब पढ़े आप। अच्छा, हे स्त्री जो तेरा पहला विवाहित पति तुझको प्राप्त होता है उसका नाम सुकुमारतादि गुण युक्त होने से सोम, जो दूसरा नियोग होने से प्राप्त होता है वह गंधर्व, एक स्त्री से संभोग करने से गंधर्व, और जो तृतीय दो के पश्चात तीसरा पति होता है वह अग्नि, अत्युष्णता युक्त होने से अग्नि संज्ञक, और जो तेरे चौथे से लेके 11वें तक नियोग से पति होते हैं वे मनुष्य नाम से कहते हैं, जैसा इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। ये क्या बेकार बात लिखा हुआ है? देखा दीदी, आपको कितना लगा बेकार बात है, इन्होंने 11 बार तक नियोग करवा के लड़की से उसके पतियों के नाम भी रखे हैं, पहला पति ये है, दूसरा पति ये है, तीसरा पति ये है, ये पति है या ये कोई अपना ड्रेस की कलेक्शन है वार्डरोब में, हैं जी, शादी पे ये पहनूंगी, ठीक है, उद्घाटन पर ये पहनूंगी, ठीक है, मेहंदी पर ये पहनूंगी, हैं जी, शो पर ये पहनूंगी, फलान, ये पति है या ये लहंगा है, ये साड़ी है जिसको औरत ने चूज करके रखा हुआ है कि जनाब मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, संडे, रिलेशन बनाना होता है। हाँ जी, और क्या है ये, क्या बेकार बात है जी, तो और क्या है, अब नीचे देखें जो मैंने अपना येलो में हाइलाइट किया है, उन्होंने कहा है ऋग वेद के इस मंत्र में, ये याद रखना चाहिए, वेद से वो निकाल रहे हैं, वेद में लिखा हुआ ये सब है जी, वो कहते हैं इस मंत्र में 11वें पुरुष तक, 11 बंदे, दीदी अभी आप कह रही थी मुसलमानों को 4 शादियां क्यों करने की हिंदू पर करते हैं, लो और लड़कियों से 11-11 करवा रहे हैं, 11-11 लड़कियों से, और बंदों को भी कह रहे हैं तुम भी 11 करो, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, इसीलिए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो कहता है ठीक है तू मेरी बीवी को ताड़, मैं तेरी बीवी को ताड़ता हूं, सही जुड़े हो भाई, समाज का तबाह बर्बाद करके रख दिया है, ये हकीकत है। अब मैं आपको बता, अभी नियोग क्या है, इस पर मेरा पूरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है आवाज़े हक लाइव, चूंकि दीदी इंडिया में इसीलिए बैन किया है मुझे, आपको क्या लगता है क्यों बैन किया है, इसीलिए तो मुझे बैन कर दिया है क्योंकि मैं इनको ये चीजें बताता हूं, इनसे ये बर्दाश्त नहीं होती, ये कहते हैं हमने तो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था, ये तो हमें इस्लाम के जवाब भी देता है और हमारे बारे में भी बताता है कि अपने बारे में भी तो देखो ना, इसलिए मुझे बैन कर दिया इन्होंने। अब वो मेरा प्रोग्राम जिस चैनल पर पड़ा हुआ है उस चैनल को उन्होंने बैन कर दिया, अब मैं लगाऊंगा क्योंकि आपने सवाल पूछा है, आपको पता होना चाहिए, तो मैं आवाज़े हक अनसेंसर्ड के ऊपर नियोग का प्रोग्राम लगाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा मैंने डिटेल में एक एक रेफरेंस कोट करके, एक एक चीज कोट करके मैंने स्क्रीन पर दाकर दिखाई है कि नियोग किसे कहते हैं, क्यों करते हैं, ये क्या है क्या नहीं है। अब इन्होंने जवाब देने के लिए दीदी क्या ब्लंडर शुरू किया है, अब गौर कीजिएगा, पता क्या कहते हैं, कहते हैं देखें नियोग तो परस्पर सहमति से होता था ना, पत्नी से भी पूछा जाता था कि जी वो जी आपकी मर्जी से हम नियोग करवाने लगे हैं, वाह 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 वाह, उस टाइम पर कौन सा गायनाकोलॉजिस्ट था जो ये बताता था कि किसके स्पर्म काउंट्स गिर रहे हैं, क्यों कौन इम्पोर्टेंट है, तुम तो औरतों से नियोग करवा करवा के पूरे मोहल्ले को करवा करवा के किसको पता कि नपुंसक मर्द होता था या औरत होती थी,
तुमने पूरे गांव भाभी के ऊपर पूरा गांव जो है ना वो देख रहा होता था। ये है वो गलत चीज जिसको समझना चाहिए। और ये वो बातें हैं हमारी जो इनको बुरी लगती हैं, फिर ये हमें कर देते हैं दीदी बहन। अब आपने पूछ लिया है तो मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें डिटेल में हमने नियोग बताया। अब ड्रामा क्या करते हैं, चले उसको तो बैन कर दिया ना, आवाज़े हक ऑफिशियल पे, आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर आपको जो है वो नियोग के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें वीडियोस हैं, मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। ये दो बहाने करते हैं दीदी, आप पूछेंगी ना कभी किसी आचार्य से तो वो दो तीन बहाने करेंगे, इसको जरा सुन लें। पहले कहेंगे जी नियोग तो केवल बेवा कर सकती है, दूसरी नहीं, वो तो बेवा करती थी। झूठ, ये भी मैंने प्रूफ किया उस वीडियो के अंदर, बेवा नहीं, जीती हुई भी कर सकती थी। अच्छा दूसरा बहाना क्या करते हैं, दूसरा बहाना करते हैं जी वो सेक्स के लिए नहीं होता था, वो लस्ट के लिए नहीं होता था, संतान उत्पत्ति के लिए, अंश को चलाने के लिए किया जाता था। ये भी झूठ है, इसको भी मैंने एक्सपोज किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि अगर एक पति की स्त्री गर्भवती हो तो 9 महीने तक के लिए वो उसे संभोग नहीं कर सकता, इस कारण अगर इस बीच के समय में उससे रहा ना जाए, यही शब्द है, यही शब्द जो मैं बोल रहा हूं, अगर उससे रहा ना जाए, उसकी काम वासना उबाले मारने लगे और उससे रहा ना जाए, तो किसी औरत को देखकर उसके साथ नियोग कर ले, और अगर किसी औरत से ना रह जाए तो वो भी नियोग कर ले। अब यहां संतान उत्पत्ति कहां गई, यहां बेवा कहां गई? तो ये सारे जो ब्लंडर्स थे जो इन्होंने लोगों को धोखा दिया हुआ था कि जनाब नियोग तो बेवा करती है, नियोग तो संतान उत्पत्ति के लिए ही केवल होता है, नहीं। मेरा प्रोग्राम आवाज़े हक लाइव पर पड़ा है, जिंदगी का मजा तो नियोग में है, जाके देख लें जिसको कोई संदेह हो। जी दीदी आगे बढ़ेंगे, ठीक हो गया, और कोई सवाल आपका है तो कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। जी मेरा सवाल नहीं है, ये था कि कुरान पाक को जो जलाया गया है एक्स मुस्लिम समीर के द्वारा, जो हमको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, कि हिंदू धर्म क्या ये सिखाता है कि ये मुसलमान धर्म के दूसरे मजहब की किताब को जलाना, ये हमको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, और उसका सपोर्ट भी ब्राह्मण लोग कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा हमको बुरा लगा। दीदी जिस धर्म, मैं सॉरी माजरत चाहता हूँ, मुझे ये बात करनी पड़ रही है क्योंकि आप अभी भी सनातनी हैं, मगर आप चूंकि सच की बात कर रही हैं तो मैं आपको बताता हूँ। दीदी जिस धर्म के अंदर अपने प्यारों को खुद अपने हाथों से जला देते हो, उनको क्या पता है कि किताबों का सम्मान क्या होता है, उनको क्या पता है कि अपनों का सम्मान प्यार क्या होता है? जो अपने हाथों से अपने माता पिता को जलाते हों, अपने हाथों से अपने बीवी बच्चों को जलाते हों, अपने हाथों से जीते जी जिंदगी के अंदर लोगों को जला देते हों, उनको क्या पता है सम्मान क्या होता है? वो आप उनसे उनसे आशा ना करें, उनको उनको क्या पता है? ये पागल लोग हैं, ये बेवकूफ हैं। भला मुझे बताओ, कुरान के एक नुस्खे को जलाने से क्या कुरान सफाई हस्ती से मिट सकता है? अब कोई कहेगा तो फिर आपको पीड़ा क्या है, फिर आपको दुख क्या है? तो इसका जवाब मैं पिछली स्ट्रीम में दे चुका हूं। हमें पता है कि हम इस जीवन के अंदर आए हैं, एक दिन मर जाएंगे, मगर फिर भी किसी के मरने पर दुख होता है। क्यों होता है? हालांकि पता तो है कि जो इंसान इस दुनिया में आया है वो जाएगा भी। अच्छा ये पता होता भी है तब भी संतान उत्पन्न करते हैं, बच्चे निकालते हैं, हालांकि पता है कि ये बच्चे भी मर जाएंगे, फिर भी बच्चे निकालते हैं माता पिता। क्यों? क्योंकि एक आस होती है, जीने की एक तमन्ना होती है, एक जिंदगी की खुशी होती है। इसी तरह जिन चीजों का हम आदर करते हैं, मिसाल के तौर पर चलें, अब कोई कह सकता है जी जलाने से क्या हो गया, फलाना क्या हो गया, लो फिर ये लॉलीपॉप भी आज मैं ब्रेक कर देता हूं। वैसे तो स्ट्रीम के अंदर भी मैंने रखा था, ले लो जी, ये देखो जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दीदी ये देखें, जिस देश के अंदर ये कानून हो, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, और ये अमेंडमेंट्स होने के बाद का सेक्शन 2 है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 सेक्शन 2 है। क्या लिखा है? Whoever in any public place or in any other place within public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or otherwise show disrespect to or brings into contempt whether by words either spoken or written or by acts the Indian national flag or the constitution of India
or any part thereof shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. 3 saal ki saza hai. Flag Code of India 2002 ke according, section 2 mein. 3 saal ki saza hai. कोई इंडिया का फ्लैग पब्लिक के अंदर जलाए, उसके ऊपर खड़ा हो जाए, उसको फाड़े, यहां तक के उसके बारे में कोई बुरी बात बोले, बुरी बात बोले तिरंगे के बारे में हिंदुस्तान के अंदर, अगर कोई बुरी बात बोले उसको जलाए, 3 साल की सजा है. एक झंडा, कितने झंडे रोड पर गिरे होते हैं, लोगों ने उसको धोतियां और लुंगियां बनाई हुई हैं. पूरी दुनिया के अंदर झंडे जमीन पर गिरते हैं, सब होता है, मगर कोड बना हुआ है इंडिया के अंदर कि एक झंडा जलाने के ऊपर 3 साल की सजा है. ओ बेशर्मो, कितने झंडे हैं, दुख होता है ना, इसका मतलब है तुम्हारी इन राष्ट्रों को दुख होता है. तो हमारा सवाल यह है दीदी, हम जो इनके सामने रखते हैं, कुरान क्यों जलाते हो? सवाल है, सवाल उठाओ. इतराज है, इतराज उठाओ. हमने कब रोका है? हमने कब आपत्ति की है? कोई बात रखो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है दीदी, ये बात है. बहरहाल, जिसने भी कुरान जलाया है या जो भी ये इस तरह की हरकत करता है, इससे साफ पता चलता है कि वो रैशनैलिटी की बेस पर नहीं, बल्कि फ्रस्ट्रेशन और क्रोध और अहंकार के अंदर जल रहा है, और भस्म हो जाएगा जलकर. कुरान का कुछ भी नहीं वो कर सकता. ठीक है, बाकी जो हालात हैं वो देख लेंगे फिर इंशाल्लाह. जी दीदी, आगे बढ़ते हैं. सही हो गया जी. हमको बहुत ही बुरा लगा ये वीडियो देखकर, और जब से ये वीडियो हम देखे तो हम इस्लाम के धर्म की तरफ और ज्यादा हम झुकाव रख रहे हैं. पता नहीं क्यों, ये वीडियो देखकर. दीदी ऐसा क्या हुआ, वो वीडियो देखकर आप इस्लाम की तरफ झुकाओ? मैं समझा नहीं, कुछ बात सेंस नहीं की, क्या फील हुआ? कुरान पाक को ऐसे जलाना हिंदुओं के द्वारा, अब उसका सपोर्ट भी ब्राह्मण कर रहा है, जो की बहुत ही ज्यादा गलत है दूसरे धर्म की किताब को. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. यानी उसने कुरान जलाया और आपको इस्लाम की तरफ दिल आपका फिरना शुरू हो गया. कुरान, अल्लाहु अकबर. ओ मूछ. जी, पंडित सपोर्ट कर रहा है कुरान पाक को जलाने के लिए, बहुत ही ज्यादा जो गलत है. ओ मूछ, ओ चूतड़ वेदी, ओ दो टके की औकात तेरी. ये देख, ये इसे कहते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. ये है, ये तेरे सामने कुरान जला के एक बंदे के दिल के अंदर इस्लाम की शमा रोशन हुई है. ये हुआ है, إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. कभी सूरज की तरफ और चांद की तरफ थूकने वाले भी कामयाब हुए हैं. ये है हिफाजत जिसका तुम पूछते थे. दीदी अल्लाह ताला आपको खुश रखे. आप अगर सच के साथ और न्याय के साथ खड़ी होंगी, आपको चीजें खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाएंगी. मैंने एक बार पहले भी एक बात की थी, बीमार आदमी को अच्छे खाने का भी स्वाद नहीं आता. इसलिए बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि उसको पता ही नहीं है स्वाद क्या होता है चीजों का. इसी तरीके से जिस आदमी के दिल में न्याय नहीं है, जिसके अंदर सत्य की खोज नहीं है, तड़प नहीं है, उसको कभी भी सत्य और न्याय का स्वाद नहीं आ सकता. उसको पता ही नहीं है. जैसे कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता, वैसे ही इस्लामोफोब को इस्लाम हजम नहीं होगा, ना इनके हिस्से में आएगा ये कभी. ठीक हो गया दीदी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. ये जो बात आपने की है, इसने यकीनन हमें हिलाकर रख दिया है, और जितने मुसलमान सुन रहे हैं और इवन जितने वो लोग सुन रहे होंगे उनको भी पता चल गया होगा कि ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर जब लोग सच्चे दिल से देखते हैं तो उनमें चेंज आती है, उनको पता चलता है. जी, उनको ही बहुत ही बुरा लगा ये वीडियो देखकर कि मुसलमान के द्वारा तो नहीं ना जलाया जा रहा हिंदू का कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, और जो हिंदू है पंडित के सपोर्ट में जला रहा है कुरान को. दीदी यही बात तो हमने की थी, उस वक्त भी मैंने ये चीज कही थी, क्या हमारे पास शास्त्र नहीं पढ़े हुए? क्या हमारे पास हम लोगों के जज्बात नहीं है? मुझे लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं किस तरह बात करता हूं और किस लेवल पर जाकर इन पर क्रिटिसाइज करता हूं. आपने भी सुना होगा मुझे, क्योंकि आप कह रही थी कि आप क्रिटिसाइज करते हैं या खुल के बोलते हैं, मगर देख लें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें इस्लाम ने सिखाया है कि हमारे यहाँ जंग के भी उसूल हैं. हमारे यहाँ किसी से अगर विचार मत का भेद हुआ है, भाव हुआ है, उस पर भी हमारा
रूल और नियम होंगे, हम जानवर नहीं बनेंगे, ठीक है ना जी। ये है हमारा उसूल, हम हद नहीं क्रॉस करेंगे, हम किसी की इस तरह नहीं ठेस पहुंचाएंगे। बाकी जो बन पड़ेगा हम करेंगे, बात तो करेंगे, बात तो कर सकते हैं, वो राइट है हमारा। ठीक हो गया दीदी, आगे बढ़ते हैं, सही है जी। दीदी ठीक है जी? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, दोबारा जुड़िएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। नहीं दोस्तों, दीदी हमारे साथ थी, बड़ी जबरदस्त बात रखी उन्होंने, और अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे कि इन्होंने सच के लिए आवाज उठाई। इन्होंने कहा, ये उन लोगों के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा और चांटा है, लपड़ है, लपड़ उनकी कनपटियों के ऊपर, कि जो कुरान जलाने वाले को सपोर्ट करके झिंगा लल्लाहुर कर रहे थे कि बहुत बड़ा को तीर मार लिया है, वो तीर जो मारा था वो घूमकर आपके ही पिछवाड़ों में आ गया है, इस्लामोफोब्स, बस वेट एंड वॉच, लगाओ दम, लगाओ जोर, करो कितना बैन करना है तुमने, तुम्हारी ऐसी की तैसी होए, लगाओ जोर, तुम इधर आ, दिलबर हुनर आजमाएं, इधर आ दिलबर हुनर आजमाएं, तू अपना बदमाशी आजमा, हम अपना ईमान आजमाएं, आ ना देख किस में कितना है दम, तू भी यहीं है और यहीं पर है हम, आजमा ले, पता चल जाएगा यार। योहान भी, अच्छा योहान इस टाइम भी आया भाई? हाँ संडे था ना आज, इसीलिए सोचा कि आ जाऊं। अच्छा अच्छा चलो ठीक हो गया, चलो वेलकम है, हाँ बात कर लो। हाँ। जी तो आपने हमारे पिछले बार जो आपने एक रेफरेंस मांगा था वो बात का, तो उसका एक लाया था Quran.com से, तो वो थोड़ा शेयर किया, उसको एक बार ओपन कर सकते हैं? वो मुझे आयत बता दो, मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ से, कौन सी आयत है? हाँ वो 52.21 कुछ लिखा था नंबर वहाँ पे, 52. कितना? 21. हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो मैं इसको ले आता हूँ। अच्छा वो वाली बात जो आपने कहा था कि वो यानी अगर किसी के 50% मार्क्स आए हैं और किसी के 60 आए हैं तो वो कहें चलो इसके भी 60 कर दें, वो वाला है ना? हाँ हाँ, उसका जो पेरेंट्स का अगर ज्यादा है तो उसको भी उस लेवल पर शिफ्ट कर देगा उसका। हाँ, चलो अच्छा है ये, अच्छा ये अच्छा किया, वेरी गुड, ये अच्छा किया कि आयत ढूंढ के लाया, इस तरह ले आया करो। सूरह तूर है और आयत नंबर है 21, ठीक है। हाँ इसमें क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ पहले, आता हूँ बिल्लाह इंग्लिश में थोड़ा, जी जी इंग्लिश में थोड़ा इसको कर दे। अच्छा चलो मैं इंग्लिश में ले आता हूँ, इंग्लिश में यूसुफ अली का सही रहेगा, ठीक है। ये देखे, والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين। जी क्या हुआ इसमें, क्या मसला है? इंग्लिश में पढ़ के मुझे ना इतराज एक बार दोबारा रख देना। हाँ तो इसमें है कि मतलब आपका अगर लोअर लेवल है फिर भी आपको अपने जो फैमिली है तो उस पर उसको आपको सॉरी एक मिनट रुको, ये कल सवाल आपने मुफ्ती साहब के पास किया था? नहीं नहीं, ये वो जो आराफ का जो था ना उसके रिलेटेड किया था, जहाँ पे 50-50 होता है गुना। अच्छा असहाबे आराफ के बारे में, ठीक है। अच्छा ये नहीं किया तो फिर कर लो, मैंने कहा अगर मुफ्ती साहब से किया है तो वही जवाब मेरा होगा, खैर चलो कर लो। नहीं वो अलग था, ये वाला अलग है। तो यहाँ पे वही की मतलब इसमें ये लिखा है कि आपके फैमिली को जहाँ पर है वहां पर आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, नहीं इसका जो है कि तफसीर में देख रहा था तो शिफ्ट नहीं किया जाएगा। नहीं नहीं शिफ्ट नहीं कर दिया जाएगा, वो फैमिली उसको ज्वाइन कर सकेंगी। इस बात का तो मैंने उस वक्त भी बताया था, अगर वो वीडियो देखोगे ना आप, ठीक है, कि किसी फैमिली को फैमिली, तो उसमें मैंने ये चीज बताया था। मिसाल के तौर पर मेरे अबू हैं, ठीक है, मेरा घर है, वो घर हम लोग गरीब हैं, थोड़े मिडिल क्लास हैं, हम छोटी सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। मगर मेरे चाचा हैं, मेरे ताया हैं, या मेरे अब्बू के कुछ और कजन हैं, वो फैमिली वाले हैं, या अम्मी की बहन हैं, या भाई हैं, मामू हैं, वो किसी अच्छी सोसाइटी में, किसी अच्छी जगह पर, अमीर जगह पर रहते हैं, पैसे वाले हैं, ठीक है। नॉर्मली बंदा वहां नहीं रह सकता, नॉर्मली बंदा वहां ज्वाइन नहीं कर सकता, मगर ये है यानी परमानेंट रेजिडेंस वगैरह नहीं ले सकता क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास हैं, पैसा इतना नहीं है।
तो ऐसी सूरत में वो रिश्तेदारों की वजह से हम वहां विजिट कर सकते हैं, वहां की फैसिलिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं, मगर परमानेंट रेजिडेंस तो नहीं मिलेगी ना, ये लॉजिक की बात मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दोबारा आप अगर पढ़ोगे, एंड दोज हु बिलीव एंड हुज फैमिलीज फॉलो देम इन फेथ, ठीक है, टू देम शैल वी ज्वाइन देयर फैमिलीज। ईमान वाले हैं जो कि यहां बिछड़ चुके हैं, ये बेसिकली समझाया क्या जा रहा है, इसको समझना। मिसाल के तौर पर बाप है उसका बेटा है, बाप है उसकी बेटी है, उसके पोते हैं, उसके भतीजे भांजे हैं एक बड़े के, वो ईमान लेकर आए, वो भी ईमान ले आया। अब वो मामा चाचा ताया अबू फोत हो जाते हैं, ठीक है, अब पीछे वालों को दुख होता है क्योंकि प्यार होता है उनको, ये होता है मेरा बाप था, मेरा चाचा था, मेरा ताया था, पता नहीं किधर चले गए हैं, पता नहीं कल कयामत के दिन मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बताया गया, एंड दोज बिलीव एंड हुज फैमिलीज फॉलो देम इन फेथ, जिनका ईमान एक साथ वो लेकर आए हैं, फैमिली हैं, नेक हैं, टू देम शैल वी जॉइन देयर फैमिलीज, उनको कल हम मिलवा देंगे, उनको हम कल मिलवा देंगे, नॉर शैल वी डिप्राइव देम ऑफ आउट ऑफ देयर वर्क्स, ऐसा नहीं होगा कि उनके किसी भी दर्जे के अंदर कमी आएगी, ये बताया, नॉर शैल वी डिप्राइव देम ऑफ आउट ऑफ देयर वर्क्स, ऐसा नहीं होगा कि किसी के अमल के अजर में कमी आएगी, यानी ऐसा नहीं है कि जो अच्छे अमल पे हैं उनको खींच के नीचे लाया जाए, और ये नहीं होगा कि जो निचले अमल पर हैं उनको खींच कर ऊपर लाया जाए, ऐसा नहीं होगा, मुलाकात करवाई जाएगी, ज्वाइन करवा दिया जाएगा। अब देखो आगे क्या कहा है, देखो उसका जवाब आगे आ गया, अगर पूरा पढ़ोगे, येट ब्रैकेट में है, येट समझाने के लिए, इज ईच इंडिविजुअल इन प्लेज फॉर हिज डीड्स, ये आपकी बात का जवाब है कि हर इंडिविजुअल, हर एक फर्द, हर व्यक्तिगत अपना जो अमल किए हैं, कार्यक्रम किए हैं, असल में फ्रूट उसी का मिलेगा। तो ये जो ज्वाइन किया जाएगा ये परमानेंट रेजिडेंस नहीं होगी, परमानेंट कनेक्शन नहीं होगा, बल्कि अमल उनके उनके मुताबिक रहेंगे, जो डीड्स उनके होंगे, अलबत्ता उनकी मीटिंग वगैरह हो जाएगी। तो ये तो है इंटरनल इसका प्रूफ, ठीक है। अब ये देखो इसका सबूत मैं देने लगा कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से। अब ये देखो, इस लौहा फसबिरु औला तस्बिरु सवाउन अलैकुम इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, जहन्नम के लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि जब उनको जहन्नम में फेंका जाएगा तो कहा जाएगा चाहे तुम इसको पेशेंटली फेस करो या ना करो, तुम्हें जबरदस्ती, जैसे किसी क्रिमिनल को प्रिजन में डाला जाता है तो वो कितना चीखता है मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं किया, मैंने ये, तो उसको डाला जाएगा। क्यों? इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तअमलून, क्योंकि तुम्हारे काम ही ऐसे थे, तुम क्रिमिनल हो, तो तुम जितना भी कहोगे हमें छोड़ दो, क्रिमिनल को सजा मिलेगी। अब आने लगा है जन्नत का जिक्र, ये कॉन्टेक्स्ट का जवाब आने लगा। पहले मैंने दिया इंटरनली आयत समझाई है वर्ड से, अब मैं कॉन्टेक्स्ट से बताने लगा हूं कि क्यों मेरी बात ठीक है। आगे जन्नत का आगे जिक्र, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन नईम, अब जो अच्छे लोग होंगे जिन्होंने गुड डीड्स किए हैं वो लोग फी जन्नातिन बागों में होंगे, व नईम और बड़ी फैसिलिटेशन, बड़ी सहूलत में होंगे, नेमत, ठीक है ना, ब्लेसिंग्स में, فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, उनके पास फल होंगे जो उनके रब ने उनको दिए होंगे, यानी खाने की कमी नहीं होगी, फूड डाइट अच्छी होगी, وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, और उनके रब ने उनको जहन्नम के अजाब से बचा लिया होगा। अब उनको क्या कहा जाएगा, कुलू वशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तअमलून, पेट भर के खाओ पियो, रज जाओ, खुश हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ, बिमा कुंतुम तअमलून, तुमने जो नेक कर्म किए थे। यहां से भी पता चलता है कि इस्लाम कर्म को कितनी इंपॉर्टेंस, ये जो सनातनी हम पर या इस्लामोफोब्स एतराज करते हैं कि जन्नत सिर्फ ईमान की बेस पर मिल जाएगी, तो मुसलमानों की गलत फहमी दूर हो जाए यहां से, इस आयत के इस टुकड़े से, कि जो मुसलमान समझते हैं जैसे भी हैं हुजूर की उम्मत से हैं, कलमा पढ़ लिया तो चलो पांचों घी में और सर कड़ाई के अंदर, नहीं बाबा नहीं, कुलू वशरबू, जन्नत की सहूलतें जो होंगी, वहां की जो उत्तम स्थान आपको स्टेटस मिलेगा, बिमा कुंतुम तअमलून, अल्लाह का फजल होगा, अल्लाह की तौफीक होगी, अल्लाह की रहमत होगी, मगर खुद ही अल्लाह ने फरमाया है बिमा कुंतुम तअमलून, मगर अमल करने होंगे, ये याद रखना है। अब आगे अल्लाह ताला ने कहा मुत्तकीन अला सुरुरिम मसफूफा, जनाब बड़े मखमल के, बड़े कॉटन के, बड़े प्यारे प्यारे जनाब वहां पर तकिए और स्टेज और खूबसूरत जगह होंगी बैठने के लिए, यानी बेसिकली एक एनवायरनमेंट का नक्शा खींचा गया जो बड़ा कंफर्टेबल और फ्रेंडली होगा। वज़व्वजनाहुम बिहूरुन ईन, और बड़ी खूबसूरत आंखों वाली उनके पार्टनर होंगे। यहां से एक मिथ बस्ट हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग,
जो आमतौर पर इस्लामोफोब्स करते हैं कि वहां हूरों के साथ सेक्स किया जाएगा, तो पता नहीं तौबा तौबा पता नहीं कितने